आज हम ये मटर प्रिजर्व करना आपको सिखा रहे हैं। ये मटर आप साल भर तक भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं और आजकल बड़ी अच्छी मटर आ रही है, होली तक ही आएंगी। आप लोग भी इनको जल्दी से प्रिजर्व करके रख लीजिए। इसके अंदर ये इस तरीके से एक चम्मच और ये इस तरीके से दो चम्मच, लगभग डेढ़ चम्मच के बराबर से इसके अंदर नमक डालना है। फिर ये देखिएगा इस तरीके से एक चम्मच और ये लगभग दो चम्मच इसमें शुगर डाल दीजिए और इसको हम एक उबाला लगा लेंगे। जब ये अच्छा से बॉयल हो जाएगा, एक उबाला बस, मटर नरम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, तो हम इसको उतार के ठंडा करेंगे। तब तक आप फ्रीजर का पानी ठंडा सा निकाल करके पहले से तैयार कर लीजिएगा, जो हम इस मटर को जब उबल जाएंगी छान के उसके ऊपर डालेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से हमारी मटर में एक अच्छा सा उबाल आ गया है और अब हम इसको एक छन्नी में इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम अपनी ये मटर के ऊपर ये ठंडा पानी हमने फ्रीजर का निकाल के रखा हुआ था, ये हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल रहे हैं। इससे हमारी मटर एकदम से हरी रहेंगी और नरम नहीं होंगी। मटर को इस तरीके से एक ट्रे के अंदर बिछा लेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इनको जिपर बैग या आपके पास कोई पॉलीथीन है साफ, उसके अंदर हम इसको भर के और फ्रीजर में रख देंगे। ये हमारी साल भर तक मटर चलेगी। इस तरीके से हमने सारी मटर को निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दिया है।